हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन पर, क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। इसके 1 से 12 तक के क्वेश्चन पीछे की वीडियो पे पड़े हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 12 मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो क्लास 12 का एग्ज़ाम दे करके इस समय पर अपने अपने घरों पे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को जो आपने आगे का टारगेट बना के रखा है उस पे आप लोग बराबर वर्क करते रहिए। कोई ये ना बताए मुझे कि सर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दूसरा, आपका रिजल्ट कैसा भी आए, आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट। हो सकता है आपकी आप इच्छा से अधिक आ जाए, हो सकता है आप इच्छा से कम आए। तो जिनका उनके आप इच्छा के अनुसार रिजल्ट कम आता है तो वो हताश ना हो। ये आपकी कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, अभी आपको और भी परीक्षाएं देनी है। आप ऐसा ना हो कि रिजल्ट को लेकर के हताश हो जाएं और परेशान होकर कोई गलत कदम उठाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। जीवन में आपको अभी और बहुत सी परीक्षाएं देनी। आप अपने माता पिता के लिए एक सबसे बड़ी आशा हैं, तो उस आशा को, उनके विश्वास को आपको कायम रखना है और जीवन पर आगे ऊंचाइयों पर बढ़ते रहना है। जहाँ जैसा आवश्यकता मुझे महसूस होगी, मैं समय समय पर आपको उचित मार्गदर्शन करता रहूँगा। आइए देखते हैं, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कंटिन्यूटी पर डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यूटी में आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि कोई भी फलन कंटिन्यूअस तब होता है जब LHL, RHL और उस पॉइंट पर FX की वैल्यू इक्वल होती है। और इनमें से यदि कोई अनइक्वल है, तीनों में से कोई भी अनइक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यही पढ़ा था। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें फंक्शन FX डिफाइन किया गया है x+5, x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए, और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ये डिफाइन किया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए जैसे अभी तक करते आए हैं। FX इक्वल टू x+5 कब, x ग्रेटर देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए जी, और x इक्वल 1 के लिए क्या है फंक्शन, x इक्वल 1 के लिए भी x+5 ही होगा और x ग्रेटर देन 1 के लिए x-5 होगा। ये फंक्शन तीन प्रकार से डिफाइंड है। अब आपको x इक्वल 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिखना है एट एक्स इक्वल 1, तो क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 होना चाहिए, यही तो ना। अब देखिए LHL के लिए क्या पढ़ा आपने, LHL के लिए पढ़ा लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव FX इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव FX और यहाँ पर F1। अब इसको h को 0 की ओर टेंड कराना है और इसमें लिखना है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर F1-H इक्वल लिमिट F1+H और एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर F1। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू x+1 है, तो यहाँ पर 1+5 लिख लेना है। अब देखिए, अब एच टेंडिंग टू 0 है, एच टेंडिंग टू 0 पर लिमिट F1-H, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए,
वन से एक्स की वैल्यू जो वन से छोटी हो, वहाँ पे फंक्शन एक्स प्लस फाइव डिफाइंड है, तो यहाँ लिखना है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो और एक्स के प्लेस पर क्या लिख देना है, वन माइनस एच और प्लस फाइव इक्वल एक्स की वन से बड़ी वैल्यू के लिए आपको लिखना है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ वन प्लस एच है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है बड़ी वैल्यू के लिए, एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ आप लिखोगे वन प्लस एच और माइनस फाइव इक्वल टू सिक्स। अब देखिए जब एच जीरो को टेंड कर रहा है इसमें जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो वन प्लस फाइव यहाँ सिक्स आएगा इक्वल टू, यहाँ जीरो पे टेंड कर रहा है तो वन माइनस फाइव और वन माइनस फाइव माइनस का फोर आएगा और ये सिक्स, तो सिक्स इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू सिक्स, तो लिखना है एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल एंड नॉट इक्वल टू आर एच एल नॉट इक्वल टू एफ वन। तो अब आप बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है, नीचे का दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, अब दिखेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ पर एच जीरो को टेंड कर रहा है तो वन माइनस एच, अब यहाँ जीरो पुट कर दिया तो वन प्लस फाइव सिक्स हो गया, ये वन प्लस एच माइनस फाइव, तो यहाँ ये वैल्यू जीरो हो गई वन माइनस फाइव, तो वन माइनस फाइव माइनस फोर और ये सिक्स आ ही गया, तो ये तीनों इक्वल नहीं हैं इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो लिख देना है एट एक्स इक्वल वन दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स, अब देखिए एफ एक्स है थ्री कब है, एक्स की जीरो से बड़ी और वन से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन थ्री है, और वन से बड़ी और थ्री से छोटी वैल्यू के लिए फोर है, और थ्री पर और थ्री से बड़ी वैल्यू के लिए और टेन के इक्वल या टेन से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन फाइव है, मीन्स फंक्शन की वैल्यू तीन जगह पर ब्रेक हो रही है, तो वन पर वन के जीरो के लिए अलग, वन के लिए अलग है, थ्री के लेफ्ट में अलग राइट में अलग और इसके बाद टेन के बाद फिर अलग, तो वहां पर नहीं आपको देखना, आपको खाली वन और थ्री पर चेक करना, वन और थ्री पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है जहां पे कॉन्टिन्यूस है वो आपको बताना है। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू वन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ वन, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पॉजिटिव एफ एक्स और एफ वन। ठीक है, अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव एफ एक्स, वन से वन के लेफ्ट में, वन के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, थ्री है, थ्री हो गई, और लिमिट एफ एक्स वन पॉजिटिव यानी कि वन से वन के राइट में, वन के राइट में वन से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन फोर है, और एफ वन पर देखिए फंक्शन यही डिफाइंड है थ्री, तो क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं है, तो लिख देना है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ वन, इसमें कौन कौन, तीनों इक्वल नहीं है, तो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल वन और थ्री पर आपको चेक करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थ्री पर आप चेक करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। देखिए 15 और 16 मैंने दोनों नोट किए हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं अपनी बुक में भी आप देख रहे होंगे कि दोनों क्वेश्चन लगभग सेम एज हैं, तो एक मैं बता रहा हूँ एक आपको करना है, मैं क्वेश्चन छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर हैं, और दूसरा कारण है एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो आप अपने से करेंगे, आपको
अपने से जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और क्लास लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आप तो अपनी कॉपी में जरूर नोट करो, एज अ वीडियो आपको नहीं देखना, आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में जरूर करने। आप भले ही आधा करो, आगे का समझ में आ जाए तो वहाँ से छोड़ दो, लेकिन करो जरूर। देखिए, फंक्शन डिफाइंड किया गया है जीरो से छोटी वैल्यू के लिए 2x, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू, और वन या वन से छोटी वैल्यू के लिए जीरो, वन से बड़ी वैल्यू के लिए 4x। तो दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है, तो जीरो और वन पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिखना है एट x इक्वल टू जीरो एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है, तब इसको एल एच एल और आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स लेकर चलते हैं। तो 2x कब है? x की जीरो से छोटी वैल्यू के लिए, यानी कि एल एच एल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव और एफ एक्स, और एफ एक्स पर एफ जीरो। तो देखिए, जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। और जीरो पर फंक्शन क्या है? ये है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो है। तो अब जीरो से नेगेटिव, जीरो माइनस एच, जीरो से कम पर फंक्शन क्या है? ये तो टू जीरो माइनस एच इक्वल टू जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन जीरो है, लिमिट लिमिट आपको यहाँ सीधा जीरो रख देना है। एच तो है भाई, एक्स का टर्म है ही नहीं, तो जीरो एच रखना ही नहीं पड़ेगा, सीधा जीरो हो जाएगा। और या एच जीरो पर टेंड कर रहा है तो टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल जीरो। तो जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देख लेते हैं एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ वन। वन के राइट में, वन के लेफ्ट में और वन पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी, अगर इक्वल होंगी तो कॉन्टिन्यूस, नहीं तो नहीं है कॉन्टिन्यूस। क्या हुआ? एल एच एल एक्स के लेफ्ट में, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ वन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एच टेंडिंग टू जीरो एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन प्लस एच। और वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? वन पर भी जीरो है, तो यहाँ पे लिख लेना है। अब वन के नेगेटिव में, वन के नेगेटिव पर भी जीरो है, वन के पॉजिटिव में, वन से बड़ी वैल्यू के लिए 4x है, तो 4 इंटू वन प्लस एच इक्वल टू जीरो। तो ये क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी जीरो हो गई, एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो जीरो इक्वल टू यहाँ वन आएगा, ये 4 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं। लिखना है एट एक्स इक्वल टू वन दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एक्स इक्वल वन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 16 नंबर आपको ट्राई करना है, करेंगे ना? बिल्कुल करना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है तो बताना ज़रूर है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17,
इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है क्वेश्चन ने, बहुत इसमें तो ये ना ही बहुत बड़ा है ना बहुत कठिन है, बस खाली थोड़ा सा इसने पैटर्न ने चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि इसने आपको बता दिया है कि एट एक्स इक्वल थ्री पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ए और बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे आप बता सकते हैं, और कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम है। इसमें ये बताया है, अभी तक हम लोग क्या चेक करते थे कि चेक कीजिए इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल थ्री और ए और बी की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आइए देखते हैं। देखिए फंक्शन एक्स इक्वल थ्री पर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, एट एक्स इक्वल थ्री एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ थ्री, ये होना चाहिए, यही ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री नेगेटिव और एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री पॉजिटिव एफ एक्स और एफ थ्री पर, थ्री पर फंक्शन क्या है ए और एक्स के प्लेस पर थ्री प्लस वन। अब देखिए थ्री नेगेटिव, थ्री से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये ए सॉरी पहले आप एच का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ थ्री माइनस एच लिमिट एफ थ्री प्लस एच और यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो और ये हो गया थ्री ए प्लस वन। अब देखिए थ्री माइनस एच, थ्री के लेफ्ट में फंक्शन ये डिफाइंड है ए थ्री माइनस एच प्लस वन और यहाँ पर थ्री से बड़ी वैल्यू के लिए बी थ्री बी के बाद थ्री प्लस एच प्लस थ्री और ये थ्री ए प्लस वन। अब देखो एच स्मॉल क्वांटिटी है, जीरो हो जाएगी तो ये थ्री ए प्लस वन आ गया, ये जीरो हो जाएगा तो थ्री बी प्लस थ्री आ गया इक्वल थ्री ए प्लस वन। इनमें से नीचे दिख रहा है, देख लीजिए, देखिए अब देखिए इनमें से एल एच एस एल एच एल आर एच एल और एफ वन एफ थ्री पर इन दोनों में से कोई दो फंक्शन आप ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को लीजिए, थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, वन उधर गया तो थ्री ए इक्वल टू थ्री बी, वन इधर आया तो थ्री माइनस वन यानी कि प्लस टू, ए इक्वल टू थ्री से डिवाइड कर दिया थ्री बी प्लस टू तो इसके अपॉन थ्री इसके अपॉन थ्री 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 कट गया। ए की वैल्यू या रिलेशन क्या आ गया, बी प्लस टू बाई थ्री, बस यही आंसर। ए और बी में आपको रिलेशन बताना था, एक बार आप फिर से देख लीजिए, एल एच एल आर एच एल और एफ थ्री वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। अब इन पे वैल्यू रख के आपको थ्री के लेफ्ट में थ्री के राइट पे और थ्री पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, जहाँ पर ये तीनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आंसर क्या आया है, ए इक्वल टू बी प्लस टू बाई थ्री। अब इसमें कह रहा है कि लैम्डा 18 पे लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इक्वल जीरो पर और फिर उसके बाद एक्स इक्वल वन पर। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैंने पूरा नहीं नोट किया, सिर्फ मतलब की चीज़ें नोट की हैं कि बहुत, एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो इजी लेकिन थोड़ा जगह ज़्यादा लेते हैं, तो इसेंशियल चीज़ें ही नोट की हैं, ज़्यादा मैंने अतिरिक्त नहीं नोट किया।
एफ एक्स गिवेन है, अब एक्स इक्वल 0 पर और एक्स इक्वल 1 पर लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है देखते हैं। एट एक्स इक्वल 0 एल एच एल, आर एच एल और एफ एक्स एफ 0 कह लो। तो एल एच एल यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स और एफ 0 0 पर फंक्शन ये डिफाइंड है। लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 के नेगेटिव पर भी फंक्शन यही है। लैम्डा पहले एच वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एफ 0 प्लस एच एच टेंडिंग टू 0, और ये अंदर का सब 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो लैम्डा इंटू 0, 0 माइनस एच 0 के लेफ्ट पर, लैम्डा एक्स के प्लेस पर 0 माइनस एच रखना है, 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, ये फिर इसके बाद एच 0 के लेफ्ट पे, लेफ्ट के बाद राइट पर 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 का किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करो, जानते हो 0 आता है, तो ये 0 हो गया। अब देखो ये भी 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, एच 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 है तो ये अंदर का पूरा ख़त्म, लैम्डा इंटू 0, ये 0 है क्वांटिटी, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 में ऐड करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल 1 इक्वल 0, क्या ये तीनों इक्वल हैं? तो लिखना है एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, और नॉट इक्वल टू एफ 0, ये इसके इक्वल नहीं और ये इसके इक्वल नहीं। हालांकि एल एच एल और एफ 0 इक्वल हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा मतलब क्या हुआ, लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। और सेम एज आपको एक्स इक्वल 1 पर चेक करना है, 1 पे भी ऐसे ही चेक करना है। हालांकि मुझे विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एल एच एल और आर एच एल वाला। और यकीन मानो कि आगे के जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। इजी ये भी है लेकिन आगे और ज़्यादा इजी क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान नहीं होना। आपकी इस बोर्ड परीक्षा की यात्रा में मैंने आपकी जिम्मेदारी उठाई है, पूरी अंतिम तक मैं आपके साथ चलूँगा, जितना जो जैसे हेल्प हो सकती है मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। आप कोई भी विद्यार्थी भयभीत ना हो, कक्षा 11 में मैं जानता हूँ आप ठीक से नहीं पढ़ पाए, विषम परिस्थितियाँ रही, तो आप ही लोगों के सहयोग से, आप ही लोगों की हिम्मत से मैंने ये कदम उठाया है। चाहे इसमें मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं आपके साथ बराबर और पूरी तरह से डटकर पूरी बोर्ड परीक्षा की यात्रा तक आपके साथ रहूँगा।